नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण और नगर के बाढ़ से प्रभावित हुए हितग्राहियों के खाते में 90 दिन की मजदूरी सहित गृह सामग्री, 5,000 पूर्ण आवास क्षतिग्रस्त, 6,000 और 95,000 रुपए की राशि को मिलाकर सीधा 1,20,000 रुपए की राशि खाते में डाली गई। शेष हितग्राहियों को 1,20,000 की राशि भी डाली जाएगी। आपको बता दें, सेवड़ा SDM अनुराग निगवाल ने बताया कि जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको 95,000 की राशि और 5,000 की गृह सामग्री राशि और आवास क्षतिग्रस्त राशि स्वीकृत शासन के द्वारा की गई है। आपको बता दें, सभी हितग्राहियों के पास राशि उपलब्ध कराई जा रही है। संवाददाता रामबाबू जाटव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन से गांव में रहती हो आप? अम्मा, आपका ये जल भाव से नदी का जो जल आया है यहाँ पे, आपका कितना नुकसान हो गया? कुछ नहीं बचो, भंगन के जीवर चले गए। अच्छा, पूरा सामग्री भी बह गया? हाँ। और कहीं मकान अकान भी गिर गया आपका? हाँ, उधर गिर गया मकान, पूरा गिर गया, बस यही रूम बचा हुआ है। क्या समस्या है आपकी? ये मकान गिर गया साहब। कैसे गिर गया ये मकान? बाढ़ से। तो आप क्या चाहते हो शासन प्रशासन? शासन से कुछ मिल जाए लाभ और का। अभी तक कोई पटवारी जी यहाँ आए थे और लिख लिए गए, तो अभी तक कोई खाते में पैसे वैसे नहीं आए? कौन से वार्ड में निवास करते हो? वार्ड क्रमांक 1 बड़े पहली के नीचे। अच्छा अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ पर जो सुरेश धाकड़ जी मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने ये मतलब घोषणा की थी कि 1,20,000 रुपए जो है क्षतिग्रस्त लोगों को जो मकान जिसमें हुआ है उनको जो है दिया जाएगा। तो सर, इसको किस तरीके से मतलब यहाँ पर जो राशि वितरण होगा, और थोड़ा सा सर बताएंगे जी। 1,20,000 का जो प्रभारी मंत्री जी ने और शासन ने घोषणा की है, वो बाढ़ प्रभावितों को अलग अलग श्रेणियों में मिलना है। जिन लोगों का पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों को RBC की कंडिका 6-4 में 95,100 रुपया मिलता है, जो कि सभी को स्वीकृत हो चुका है। इसी प्रकार इसी 95,100 में आप सामान, बर्तन और कपड़े वगैरह जो बह गए होंगे, जो नष्ट हुए, उसके लिए सरकार की ओर से 5,000 अतिरिक्त मिलते हैं। इसी के साथ में इस बार पहली बार मध्य प्रदेश शासन ने जिन लोगों का आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, उन लोगों को अनाबद्ध 6,000 रुपये की राशि दी थी। तो इस प्रकार से आप अगर जोड़ेंगे तो 95,100 में 5,000 प्लस फिर 6,000, ये राशि आपकी आ रही है लगभग 1,05,000 के आसपास बन गई, 1,06,000 हो गई। अब इसमें शासन ने इसको मनरेगा से कन्वर्ट किया है। तो होता ये है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो गरीब व्यक्ति है वो खुद का आवास खुद बनाता है, तो खुद का आवास खुद बनाने के लिए जो मनरेगा के अंतर्गत उनको जॉब कार्ड में आपका एक दिन की जो मजदूरी है जो 193 रुपये है, उस मजदूरी के ही शासन ने जो कन्वर्ज की है स्कीम को, उसमें 3 महीने तक की मजदूरी शासन ने उन लोगों को देने के लिए प्रावधान किया है। इस प्रकार से 95,100, 5,000, 6,000 और 90 दिन के 193 के अनुसार जो 17-18 हज़ार बनते हैं, इनको पूरा का पूरा आप अगर जोड़ेंगे तो ये राशि लगभग 1,20,000 होती है। सर, नगरीय क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, सभी जगह ही है। अच्छा, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासों को 1,20,000 की जो घोषणा हुई थी वो सभी जगह इस अनुसार मिल रहा है। सर, एक डाउट और रहता है, जैसे कि लोगों ने ये भी कहा कि कई लोगों की जो है क्षतिग्रस्त नहीं हुए और उन लोगों के भी आवास में नाम दिए गए, तो उनके लिए थोड़ा सा सर बताएं। ऐसी कोई शिकायत मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताएं, हम उसकी जांच करवा के विधिवत कार्रवाई करेंगे।